માનસ પટ પર આવતી હોય છે। જ્યાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વારાણસી પહોંચી ચૂક્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આજે પીએમ મોદી વારાણસીને દિવાળીની મોટી ભેટ આપવાના છે। અનેક વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણના જે આજે કાર્યક્રમો છે તે કરવાના છે, પરંતુ તે પહેલા નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। સીધા દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે, વારાણસીની મુલાકાતે છે અને આજે વારાણસીને ઘણી બધી ભેટ મળવાની છે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી। તો તસવીરો, સીધી તસવીરો આપણે બતાવી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રીને એક હવાઈ અડ્ડે કા વહાં પર शुभारंभ किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और उसके बाद अब सिद्धार्थनगर और इसके साथ साथ 8 अन्य ज़िलों में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत, और इसके बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी जाने का कार्यक्रम है, जहां पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं को राज्य को समर्पित करेंगे। और साथ ही साथ वाराणसी का जो आज का दौरा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, और वहां पर 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें तो सिद्धार्थनगर और इसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से मजबूत हो रहा है ये देखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। મતક્ષેત્ર વારાણસીની મુલાકાતે છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી। હાલમાં તેઓ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે। આ સાથે સાથે 5,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોને લઈને પણ આજે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન છે। સિદ્ધાર્થનગર કે જ્યાં स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद अलग अलग जिलों में जहां मेडिकल कॉलेज बने वहां एक एक मंत्रियों की ड्यूटी लगी और वो सभी इसका शुभारंभ कर देंगे, यानी हर जगह एक लोगों की ड्यूटी लगाई गई। तो इस वक्त सीधे तस्वीर सिद्धार्थनगर से जो दर्शक है वो देख रहे हैं, आर्ट गैलरी लगी हुई है उसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल और सरकार के बड़े आला अफसर, और इसके बाद वो यहाँ से वाराणसी जाएंगे जहां पर 5,300 करोड़ यानी 5,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, रिंग रोड का उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी जनसभा करेंगे। समीना, तो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो आर्ट गैलरी नु निरीक्षण करी रहा छे पीएम नरेंद्र मोदी। उल्लेखनीय छे के वाराणसी नी मुलाकात तेमनी आजे खूब ज महत्वनी मानवामां आवी रही छे, कारण के खूब ज मोटा पाये विकास कार्यना लोकार्पणना कार्यक्रमो छे। दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर किस तरह से मेडिकल कॉलेज जो हैं उनको विकसित किया जा रहा है और किस तरह के ये मेडिकल कॉलेज हैं उसका एक मॉडल वहाँ पर प्रधानमंत्री को दिखाया गया, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए